ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट टू। इसमें हम पिछले वीडियो में जो हम डिस्कस किए थे, हमने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिकर्जन के ऊपर। कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमें अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से मैंने उस वीडियो में समझाया आपको रिकर्जन के 6 प्रॉब्लम्स को। तो आज ही हमारा रहेगा रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट टू। इस वीडियो में हम आज अगेन 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, 6 ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिकर्जन से बहुत ही आसानी से हो जाती है और रिकर्जन आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आई होप आपने पिछली वीडियो को देख लिया होगा और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कुछ एडवांस थोड़ी सी अपर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो रिकर्जन के थ्रू कितनी आसानी से की जा सकती हैं और अगर हम किसी और तरीके से उसको करते तो कितना हमें टाइम लगता। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट टू। इससे पिछले वीडियो में हम पहली 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। ये हमारा रहेगा रिकर्जन चैलेंजेस का पार्ट टू। पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जो कि रिकर्जन, एक इंट्रोडक्शन है, एक पार्ट फर्स्ट है चैलेंजेस का, एक है ये सेकंड, जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, पहली जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। हमें पहले जो भी नंबर डालेगा यूजर, जैसे यूजर ने डाल दिया यहाँ पे 4, पहले चार नंबरों का हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। जैसे पहले उसने 4 डाल दिया तो 4 कितने होंगे, 1, 2, 3 और 4 हो गए। अब इनका स्क्वायर प्रिंट करना, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर क्या 2, 2 जा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 जा 16। इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन नंबर सेकंड वगैरह, ये थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ हम 1 by 1 समझेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर हमारे समझ में आ गया, जो हमें प्रिंट करना है इसके अंदर, जो भी यूजर नंबर डालेगा वहां तक के हमें स्क्वायर्स प्रिंट करने हैं। तो चलते हैं हम कोड आईडी के अंदर, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से कोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। मैंने इससे पिछले वीडियो में जो आपको समझाया था, ये हमारे जो वो ये फाइल है जिसका नाम दिया था मैंने रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट, जो आज की इस वीडियो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम फाइल बना लेते हैं, रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट 2.c के नाम से बन गई हमारी ये फाइल। यहाँ पर मैं एक अपना स्निपेट लिख लेता हूँ, मेन 2 नाम से मैंने स्निपेट बना रखा, मैंने ये लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट 2। अब इसको एक बार हम रन कर लेते हैं। फ्रेंड, मैंने आपको पिछली बार भी बताया, हर बार मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखने वाले हैं या प्रोग्राम लिख करने वाले हैं तो आप उसको है ना एक छोटा सा प्रिंट स्टेटमेंट लाकर रन कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने रन किया, हमारा प्रोग्राम परफेक्टली फाइन चल रहा है, इसने प्रिंट कर दिया रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से काम कर रहा है, हमारी समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक्जैक्टली हम इसमें सॉल्व क्या करने वाले हैं। तो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं प्रिंट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन समझा, इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट एन नंबर, तो इसका मतलब एन एक यूजर नंबर डालेगा, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एन बना लिया हमने। फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया, यूजर को पता चलना चाहिए मुझे करना क्या, एंटर अ नंबर हियर, मैंने ये मैसेज शो करा दिया यूजर के लिए। मैंने यहाँ स्कैन एफ दिया, स्कैन एफ में %d, एड्रेस दे दिया मैंने एन का। इस तरीके से हमने प्रिंट करा लिया। अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन खुद को कॉल करके रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं फंक्शन में ऊपर बनाता हूँ, हमेशा आपको भी ऊपर बना लेना चाहिए। मैंने यहाँ वॉइड किया, कुछ फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, तो मैंने यहाँ पर रिकर्सिव नाम से एक फंक्शन बनाया, रिकर्सिव वन। हमारी प्रॉब्लम नंबर क्या है ये 7, 6 प्रॉब्लम मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 ही डाल लेते हैं। हमारी इस वीडियो की प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया। फंक्शन बनाया, अब ये एक आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा जो कि मैंने एन के अंदर रिसीव करा लिया। अब यहाँ से फंक्शन को बनाते, अब एक्जैक्टली ये होगा क्या, कैसे होगा, जैसे अब मुझे जैसे 1 का स्क्वायर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर चाहिए तो मैं 1 × 1 कर दूंगा तो मुझे 1 का स्क्वायर मिल जाएगा ना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब वहीं मुझे चाहिए 2 का स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा, 2 × 2 कर दूंगा तो मुझे किसका स्क्वायर मिल जाएगा, 2 का, तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए तो मैं 3 × 3 कर दूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा, 3 × 3 = 9। इस तरीके से मेरा लॉजिक रहेगा। तो आपको ये समझ में आएगा लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा। तो मैं यहाँ पे कोड करता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन चलाना पड़ेगा पहले, तो फंक्शन को कॉल करते हैं। मैं यहाँ से एक बार फंक्शन का नेम मिस्टेक ना हो इसलिए यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी किया फंक्शन। प्रॉब्लम को छोटी करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन पहले किसके लिए कॉल होगा हमारा, लेट्स सपोज हमें 5 तक के लिए प्रिंट करना, तो पहले फंक्शन के अंदर 5 आएगा तो 5 के लिए कॉल होगा, तो ये 5
माइनस वन, मैंने प्रॉब्लम को छोटी कर दिया, मैंने बोल दिया फाइव माइनस वन के लिए चला दो, तुम फोर के लिए फंक्शन को कॉल करो, तुम फोर तक का मुझे स्क्वायर दे दो, मतलब फोर तक का मुझे स्क्वायर निकाल दे दो, फिर मैं एक दूसरा मैं प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पे हो गया फिर प्रिंट स्टेटमेंट चलाना, चूंकि मुझे सीधे तरीके से प्रिंट करना, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चलाया, परसेंट डी स्लैश एन लगाया, मैंने यहाँ से कॉमा किया, और मैंने अभी क्या समझाया था, यहाँ पे जो भी एन के अंदर है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर आ जाएगा, मैंने यहाँ पे कर दिया एन इंटू एन, तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज अब इसको ये तो होगी हमारी कंडीशन, अब ये रुकेगा कहाँ पर, ये तो माइनस में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी एक बेस कंडीशन, इफ एन बराबर हो जाए किसके जीरो के, जब तक जीरो के बराबर ना हो तो उसको चलाते रहो, और यहाँ पे कर दो रिटर्न, इतना सा हो गया हमारा फंक्शन। अब यहाँ से इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, जैसे एन के अंदर आया मैं, लेट सपोज यूजर ने मुझसे मांगा कि थ्री तक का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे थ्री आएगा तो थ्री तो जीरो के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स, तो यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो थ्री किसके लिए कॉल करेगा, टू के लिए कॉल करेगा, थ्री माइनस वन टू हो गया तो टू के लिए गया, टू भी जीरो के बराबर नहीं है, फिर किसके लिए कॉल करेगा ये, फिर कॉल करेगा ये टू माइनस वन किसके लिए, वन के लिए कॉल, वन आ गया यहाँ पे, वन भी जीरो के बराबर नहीं है, फिर ये कॉल करेगा, कंडीशन फॉल्स हो रही तो अंदर नहीं जाएगा, फिर ये किसके लिए कॉल करेगा, वन माइनस वन जीरो के लिए, जीरो कॉल होगा यहाँ से, जीरो के बराबर है जीरो, हाँ जी जीरो के बराबर है, तो यहाँ से हो गया रिटर्न, ये किसके लिए कॉल होता है, वन के लिए, वन से कॉल होता है ना यहाँ पे, एन में क्या था वन, वन माइनस वन फिर जीरो के लिए तो कॉल होता है यहाँ पे था वन, तो वन इंटू वन। अब ये जब भी रिटर्न होता है ना फंक्शन तो अपने नीचे वाले कोड को चलाता है, तो यहाँ पे वन इंटू वन कितना हो गया, वन इंटू वन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वन, फिर उसके बाद फिर ये दोबारा रिटर्न होगा, तो पहले किस वन के लिए कॉल हुआ था, तो अब ये किसके लिए कॉल हुआ था, टू के लिए, फिर टू इंटू टू, टू इंटू टू कितना हो जाएगा फिर फोर, फिर ये थ्री के लिए कॉल हुआ था इसके लिए, तो थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम आएगा, रिकॉर्ड ये फंक्शन वन, और यहाँ से एन दे दिया मैंने, इसके अंदर एन पास कर दिया जो भी यूजर डालेगा, और यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना है। अब ये फंक्शन बन गया हमारा, ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डाल दिया, मैंने इसको यहाँ से रन किया, रन करने के बाद मुझसे एक नंबर पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया थ्री, तो देखो थ्री तक के मेरे स्क्वायर आ गए, वन का स्क्वायर होता है वन, टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का स्क्वायर होता है मेरा नाइन। एक बार इसको फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ से किया रन, अब मैंने कहा मुझे फाइव तक के स्क्वायर दे दो, तो देखो फाइव तक के स्क्वायर आ गए, फोर का स्क्वायर होता है फोर, फोर जो सिक्सटीन, फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव, इस तरीके से हम कितना भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, अब सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, सेकंड को देखते हैं हम, सेकंड में हमारी सेकंड में प्रिंट स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, क्वेश्चन हमारा वही सेम है पिछला वाला, इसको क्या करना है रिवर्स में प्रिंट करना है, रिवर्स में प्रिंट करना, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कितना आसान है। मैं यहाँ से फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसी फंक्शन को दोबारा बना लेते हैं, मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देता हूँ फंक्शन टू, यहाँ से मैंने टू कर दिया, इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अब यहाँ से भी इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से और पेस्ट कर दिया, इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ जिससे कि हमें कोई एरर ना मिले, और इसको यहाँ से दे देते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है ये टू, और यहाँ से फंक्शन को भी हमें टू को कॉल कराना है। जब भी हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं तो वही स्टेटमेंट हमें ऊपर करने देना, पहले प्रिंट कराओ उसके बाद फंक्शन कॉल करो, बस इतना सा हमें करना है। अब इसको प्रिंट कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद हमारा रन हो गया प्रोग्राम, अब हमसे कुछ वैल्यू पूछी जाएगी, यहाँ से हमने एंटर किया मुझे फाइव तक की स्क्वायर प्रिंट कर दो, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया, फाइव का स्क्वायर हो गया पहले, फिर फोर का स्क्वायर, फिर थ्री का स्क्वायर, फिर टू का स्क्वायर, फिर वन का स्क्वायर, इस तरीके से हमारा ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर टू। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यही है क्वेश्चन हमारा नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। फ्रेंड्स ये मैं सारे जो कमेंट कर रहा हूँ ना ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप इनको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, जैसे कि आपको इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े इनको देखने की आप देख सको, मैं इसीलिए ये सारे काम कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम नंबर है हमारी थर्ड, इससे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे गए, अब इसको यहाँ पे डाल दिया थ्री, अब देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा प्रिंट क्यू ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, क्यू प्रिंट करना है हमें, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी क्यू प्रिंट करना है बट ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, इसको भी हम देख लेते हैं कोड आईडी के अंदर, ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे हो गया हमारा क्यू प्रिंट करना है हमें, और यहाँ से इन रिवर्स ऑर्डर हटाया हमने, क्वेश्चन समझ में आया। इसमें प्रिंट करना है प्रिंट क्यू ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो जितने भी यूजर यहाँ तक भी यूजर नंबर फाइव डाला तो फाइव तक हमें क्यू प्रिंट करना है। क्यू किस तरीके से होता है मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, क्यू होता है जैसे हमारा उसने हमसे बोला टू तक के प्रिंट कर दो, तो जैसे उसने टू डाल दिया, टू का क्यू क्या होता है 2 into 2 into 2, यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4 और 4 आ गया आंसर, 4 2 जा 8, तो इसका क्यू क्या हो गया 8। इसी तरीके से हमें जैसे यूजर ने 5 डाला तो 1 का भी क्यू, 2 का भी क्यू, 3 का भी क्यू, 4 का भी क्यू, 5 का भी क्यू, इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। इस फंक्शन को भी मैं यहाँ बना लेता हूँ, इससे समझ में आया ना आपको, जो भी हमारे n है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो हमारा क्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से मैंने फंक्शन को किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट, फंक्शन का नाम दे दिया हमारा क्वेश्चन 3 है, तो यहाँ पर फंक्शन का नाम भी हमने 3 कर दिया, और यहाँ पे हमारा क्या था ये रिवर्स ऑर्डर वाला था तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, और हमने क्या था एन को ही हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, बस दैट्स इट। और यहाँ भी हमने फंक्शन को कॉल कराया थर्ड वाले को, अब इसको रन कर लेते हैं, इस कोड को पहले तो करते हैं कमेंट, यहाँ पे हमने चेंजेस कर दिए, अब इसको करते हैं रन। यहाँ से मैंने इस फंक्शन को रन किया, अब मुझे चाहिए 3 तक का मुझे क्यू दे दो, 3 तक के नंबर्स का क्यू निकाल के दे दो, या फिर 6 तक के नंबर्स का मुझे क्यू निकाल के दे दो। आ गया फ्रेंड्स क्यू, 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का क्यू क्या होता है 8, 3 का क्यू क्या होता है 27, 4 का क्यू क्या होता है 64, 5 का क्यू होता है 125 और 6 का क्यू होता है
216। इस तरीके से हम क्यू का प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 क्या थी, इसी को हमें क्या किसमें प्रिंट करना था, रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर हमने 4 लिख दिया। क्यू ही हमें प्रिंट करना है, किसमें करना है, रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। ओके जी, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, बट ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे। जो हमारे पहले प्रिंट हो रहे थे ना, पहले 1 का क्यू, फिर 2 का क्यू, फिर 3 का क्यू, अब होगा पहले सबसे बड़ी संख्या का क्यू। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्वेश्चन हमारा ये फंक्शन कॉल होगा 4, और हम 4 फंक्शन भी बना लेते हैं यहाँ से। इसको किया कॉपी, इसको कर दिया पेस्ट, यहाँ पर नाम भी इसका चेंज कर देते हैं, 4 हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 4 हो गया। अब जब भी हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराते हैं, हमें प्रिंट स्टेटमेंट पहले लगाना पड़ता है बस। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, एरर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एरर आ रही है हमारी, एक बार एरर चेक कर लेते हैं। ये वाला हमने कोड को कमेंट नहीं किया, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मैम कोड को कमेंट करना जरूरी है यहाँ पे, जो कि एन वेरिएबल हमारा यहाँ भी बना हुआ है, एन वेरिएबल हम यहाँ भी बना रहे हैं, तो हम दो वेरिएबल सेम नेम से नहीं बना सकते। यहाँ से मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। रन होने के बाद हमसे एक नंबर पूछा जा रहा है, नंबर मैंने डाला मुझे 6 तक के क्यू प्रिंट करके दे दो रिवर्स ऑर्डर में। देखो 6 तक के क्यू मेरे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए, और आप है ना कितने तक भी इससे क्यू मांग सकते हो। मैंने यहाँ से रन किया, मुझे 10 तक का क्यू दे दो। यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो रहा, मैंने 10 डाल दिया, पर 10 तक का दे दो। देखो 10 तक के क्यू आगे प्रिंट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 4। अब हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। उससे पहले इसको कर लेते हैं हम कमेंट, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने सारा कोड, अब यहाँ पे कर दिया पेस्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, 5th क्वेश्चन है ये। अब 5th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, उसके अंदर हमसे पूछा क्या जा रहा है। 5th क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली, जैसे यूजर ने डाल दिया 5, अब क्या होगा इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूजर ने डाला 5, तो 5 तक के नंबर्स का पूरा सम चाहिए, पूरे जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 15। इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इस कोड आईडी के अंदर समझते हैं। तो अब प्रॉब्लम नंबर होगी हमारी 5th, इसको हम डाल लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर हमारी 5th क्या है, यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यहाँ से इसको हटा देते हैं यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। अब हमने यूजर नंबर डाला, इसको फंक्शन को कॉल कर लेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा, तो 5th फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ से इसको फंक्शन को भी बना लेते हैं दोबारा, इसको नाम दे देते हैं 5th। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पर आपको ना सारा कोड ये लिखना है खुद से, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो मैंने यहाँ से कर दिया ये, और ये फ्रेंड फंक्शन जब भी सारे वैल्यू को जोड़ लेगा, इकट्ठे कर लेगा, तो ये कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया रिटर्न टाइप इंट, इंट टाइप की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। और यहाँ से हमें खाली नहीं छोड़ सकते, जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है, तो यहाँ पे हमने करा दिया रिटर्न 0। जब भी हम किसी भी वैल्यू का सम कराते हैं ना, तो 0 रिटर्न कराना पड़ता है हमें। जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1, जिससे कि अगर हम जैसे किसी भी वैल्यू किसी भी नंबर्स में 0 का मल्टीप्लाई करें, तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। इसलिए हमें क्या रिटर्न कराना पड़ता है, 1। जब भी हम सम करते हैं तो हमें क्या रिटर्न कराना पड़ता है, 0। जब भी हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं, तो हमारी संख्या बदलती नहीं है, और हम 1 को जोड़ेंगे तो वो तो कम ज्यादा हो जाएगी ना, इसलिए हमें जब भी हम सम करते हैं तो हमें रिटर्न कराना पड़ता है 0। अब यहाँ पे आगे हम, और यहाँ पे हमें रिटर्न कराना है RETURN, रिटर्न कराया मैंने एन प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे हम। कौन सा फंक्शन, हमारा 5th फंक्शन है, और यहाँ पे एन माइनस 1। ये प्रॉब्लम को मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ये किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे हमारा ये फंक्शन बन गया, अब ये कुछ रिटर्न भी करेगा, रिटर्न करेगा तो इंट सम नाम से हमने वैल्यू बनाया, उसके अंदर रखवा लिया हमने ये, और हमने यहाँ से इसको प्रिंट कर दिया। दी सम इज परसेंट डी लगाया मैंने यहाँ से, और कॉमा लगा के सम को प्रिंट कर दिया यहाँ से, इस तरीके से। अब ये प्रॉब्लम किस तरीके से काम कर रही है, मैं इसको आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज यूजर ने डाल दिया 3 डाला, यूजर मैं छोटी सी प्रॉब्लम लेता हूँ, और आप ड्राइवन करके समझ सकते कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, मैं 3 मानता हूँ, 3 आया यहाँ पे। यूजर ने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। अब 3 आया यहाँ पे, 3 तो बराबर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, एन में 3 है तो 3 बराबर नहीं है 0 की होगी, कंडीशन फॉल्स यहाँ पे आया। फिर रिटर्न, तो रिटर्न करने से पहले ये अंदर जाएगा, अंदर जाने से पहले यहाँ पे बोलेगा मुझे तुम एन माइनस 1 का सम दे दो, मैं उसमें एन जोड़ लूंगा। इसका मतलब जैसे ये बोला एन माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2 तक का सम कितना हो गया 1, और 2 कितना हो गया 3, तुम मुझे 3 दे दो और मैं उसमें जोड़ दूंगा कितना, उसमें मैं प्लस कर दूंगा एन, एन में क्या है हमारा 3, तो ये हो गया 3, तो कितना आ गया हमारा आंसर 6। इस तरीके से हमारा 6 आंसर आ जाएगा, इस तरीके से इसने बोला है। यहाँ पे मैंने ये कमेंट किया, तो 3 तक का सम कितना हो जाएगा 6, इस तरीके से यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर ये यहाँ पे कॉल कर देगा तो एन जुड़ जाएगा यहाँ पे। मैं एक बार इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट लगाई, यहाँ पे नीचे कमेंट लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दी। मैं यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मैं तुम मुझे एन माइनस 1 का सम दे दो, इसका मतलब एन, एन में क्या है हमारा 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तुम मुझे 2 तक का सम दे दो, मैं उसमें जोड़ दूंगा क्या, मैं उसमें प्लस कर दूंगा n, n में क्या हमारा 3। ठीक है, अभी आंसर नहीं आएगा, आंसर अभी हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से कमेंट लगाया, अब ये दोबारा कॉल होगा तो n में क्या आ जाएगा 2, 2 भी 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 बोलेगा मैं इसमें तुम मुझे 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तुम मुझे 1 तक का सम दे दो, मैं इसमें जोड़ दूंगा 2, तो यहाँ पे फिर आंसर आ जाएगा ये। जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं होगा तब तक यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। फिर ये कॉल होगा दोबारा कॉल होगा यहाँ से, फिर यहाँ पे जाएगा 1, 1 तो यहाँ पे आ गया 1, 1 भी 0 का, यहाँ पे रिटर्न होगा। अब ये बोलेगा 1
माइनस वन, तुम मुझे जीरो तक का सम दे दो और मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा उसमें, एन में क्या है वन, तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर ये दोबारा कॉल होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन के लिए कॉल होगा, तो ये वन क्या बोलेगा, वन माइनस वन, ये वन माइनस वन के लिए तो कॉल होगा जीरो, यहाँ पे तुम मुझे जीरो तक का सम दे दो, मैं उसमें वन जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे फिर ये जीरो को लेकर जाएगा यहाँ पे, तो जीरो जैसे ही जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से क्या करेगा, जीरो रिटर्न कर देगा, क्या जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो रिटर्न होगा, तो जीरो उसमें क्या जोड़ दूंगा मैं वन, तो जीरो और वन कितना हो गया वन, कितना आ गया वन आ गया हमारा आंसर। तो अब यहाँ से ये वन को लेकर जाएगा यहाँ पे, तो इसने क्या बोला था मुझे वन तक का सम दे दो, मैं उसमें टू जोड़ दूंगा, तो वन तक का सम क्या है वन, तो वन में टू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा थ्री। अब इसने क्या बोला था मुझे टू तक का सम दे दो, टू तक का सम कितना है हमारा थ्री, तो थ्री हो गया, तो मैं उसमें थ्री जोड़ दूंगा, तो थ्री में थ्री जोड़ेंगे तो कितना हो गया सिक्स, इस तरीके से हमारा सिक्स आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला रिकर्सिव फंक्शन हमारा काम करेगा फ्रेंड्स। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से जब भी ये सिक्स आ जाएगा, सिक्स क्या बोलेगा रिटर्न कर दो सिक्स, और रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, तो रिटर्न कहाँ से हुआ था फंक्शन कॉल, यहाँ से, तो फंक्शन कॉल यहाँ से हुआ था, तो यहीं पे क्या आ जाएगा हमारा सिक्स रिटर्न होकर वैल्यू आ जाएगी सम के अंदर, और सम को हमने प्रिंट करा लिया, एक्जेक्टली सम प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से रन किया, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं हम, प्रॉब्लम हमारी कुछ नहीं आ रही है, सेलेक्ट करके रन किया था आई थिंक मैंने, तो हमारा प्रोग्राम हो गया रन। मैंने यहाँ पे डाला मुझे थ्री तक का सम दे दो, क्या आ गया हमारा द सम इज सिक्स। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, मुझे फाइव तक का सम दे दो, फाइव तक का सम कितना होगा फिफ्टीन, मुझे टेन तक का सम दे दो, टेन तक का सम आ गया फिफ्टी फाइव, मुझे ट्वेंटी तक का सम दे दो, ट्वेंटी तक का सम आ गया टू हंड्रेड टेन, हो गया ना सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इसमें पहले में क्या था, हमें कोई भी नंबर सीरियल से हमें वन टू थ्री ऐसे नंबर का सम करके देना था, इसमें खाली पहले तो हमें इवन नंबर निकालने फिर उनका सम करके देना है। तो एक्जेक्टली आपकी समझ में आया, पहले तो हमें इवन नंबर, जैसे इवन नंबर क्या होते हैं जो टू से परफेक्टली तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम चलते हैं आईडी के अंदर, इस प्रॉब्लम में है, मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमें सम करके रिटर्न भी कराना है, तो यही सिमिलर फंक्शन हमारा काम कर जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारा फंक्शन सिक्स बनेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सिक्स है, तो मैंने यहाँ पे सिक्स नाम दे दिया इसको। अब वही सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे, इन सबको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसमें प्लस तो करूंगा ही करूंगा, और यहाँ पे मैं वो हटाता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, मैं बोलूंगा एन इंटू टू, एन इंटू टू कर लूंगा, और जो भी तुम यहाँ पे सम दोगे ना मुझे, जैसे यहाँ पे मैंने थ्री के लिए इसको रन किया, तो यहाँ पे थ्री आया, थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, सिक्स बोलेगा मुझे तुम दे दो कहाँ तक का सम, मुझे दे दो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना हो गया थ्री माइनस वन टू, मुझे टू तक का तुम सम निकाल के दे दो, टू इवन नंबर तक का सम निकाल के दे दो, मैं उसमें इतना जोड़ दूंगा, तो मेरा मैं उसमें यहाँ पे थ्री है, थ्री इंटू टू कितना हो गया सिक्स, मैं उसमें सिक्स प्लस कर दूंगा। तो एक्जेक्टली ये किस तरीके से काम करेगा मैं यहाँ पे एक बार इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा ये होगा, मैं तुम मुझे कितना, जैसे लेट सपोज थ्री आया यहाँ पे, थ्री यूजर ने डाला, तो थ्री डालने के बाद ये थ्री के लिए कॉल होगा, तो थ्री इंटू यहाँ पे आएगा फंक्शन, तो थ्री इंटू कितना हो गया टू, कितना हो गया थ्री इंटू टू सिक्स हो गया सिक्स, मैं सिक्स जोड़ दूंगी इसमें, मैं उसमें सिक्स जोड़ दूंगा, कंपाइलर बोलेगा मैं उसमें सिक्स जोड़ दूंगा, तो मुझे सिक्स माइनस वन, मुझे थ्री माइनस वन तक का सम दे दो, तो थ्री माइनस वन तक का सम दे दो, ये बोलेगा ये। फिर ये दोबारा कॉल होगा, फिर ये किसके लिए कॉल होगा, ये थ्री माइनस वन क्या हो गया टू, ये टू के लिए कॉल होगा, तो इसमें टू इंटू टू कितना हो गया फोर हो गया, मैं उसमें फोर जोड़ दूंगा, तो मुझे फोर, तो मुझे टू माइनस वन कर दे दो, अब यहाँ पे टू हो गया था ना, टू माइनस वन कितना हो गया वन, टू माइनस वन तक का दे दो मुझे। अब ये फिर नीचे आएगा, फिर ये टू माइनस वन कितना हो गया वन, वन के लिए कॉल होगा, तो वन इंटू टू कितना हो गया वन इंटू टू टू हो गया, तो यहाँ पे टू आ गया, मैं टू जोड़ दूंगा उसमें, तो मुझे टू माइनस टू हो गया यहाँ पे, तो टू टू कैसे हुआ वन इंटू टू टू हो गया, तो वन के लिए कॉल हुआ, तो ये तो आप क्या होगा वन माइनस वन तक का सम दे दो मुझे, वन माइनस वन जीरो तक का मुझे सम दे दो, मैं इसमें टू जोड़ दूंगा, तो कितना हो गया वन माइनस वन, तो ये हो गया। अब जैसे वन माइनस वन के लिए कॉल होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो जीरो यहाँ पे जैसे जीरो पे आएगा तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न जीरो, तो वन माइनस वन का सम क्या आया जीरो, अब जीरो रिटर्न होकर आएगा, तो जीरो में सम मैं जीरो में जोड़ दूंगा इतना, तो ये क्या होगा जीरो और टू कितना हो गया टू, जब ये ऊपर कॉल हुआ था इसने क्या बोला था मुझे टू माइनस वन तक का सम दे दो, टू माइनस वन तक का सम कितना है टू, मैं उसमें जोड़ दूंगा फोर, तो टू और फोर कितना हो गया सिक्स। अब इसने बोला था मुझे थ्री माइनस वन तक का सम दे दो, थ्री माइनस वन का सम कितना है सिक्स, और सिक्स में सिक्स जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व, एक्जेक्टली हमारा ट्वेल्व आएगा थ्री का। देखो हमारा कितना होता है थ्री, हमारे इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, हमारे तीन इवन नंबर होते हैं, सबसे पहला हो गया टू, फिर हो गया हमारा फोर, फिर हो गया हमारा सिक्स, थ्री हो गया ना ये, और देखो सिक्स और फोर कितना हो गया टेन, टेन और टू ट्वेल्व, एक्जेक्टली हमारा ट्वेल्व यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो इसको भी मैं एक बार रन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी हमारा सम आ गया, यहाँ पर हमने एक बार सिक्स वाला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर भी इस कोड को कॉपी करते हैं दोबारा क्वेश्चन सिक्स के लिए, यहाँ हो गया इस कोड को कमेंट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, और यहाँ पे फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ से मैंने रन किया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुझे चाहिए सम, चाहिए मुझे
तीन नंबर्स का, तो कितना होना चाहिए 12, 6 आया यहाँ पे, 6 क्यों आया फ्रेंड्स मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ से, 6 इजीली आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन रन किया 5th नंबर का, तो मुझे 6 फंक्शन रन करना चाहिए, 6 फंक्शन ही तो हमने बनाया इस प्रॉब्लम के लिए, देखो यहाँ पे 6 नंबर का फंक्शन बना हुआ है, इस तरीके से हमें ये चेंज करना भी जरूरी है। अब मैंने क्या, मुझे 3 तक का सम दे दो, 3 तक का सम 12 आ गया, अब मुझे 4 इवन नेचुरल नंबर का सम दे दो, तो 4 का कितना हो गया, 4 का 20 हो गया, फिर दोबारा इसको रन करते हैं, मुझे 5 तक का दे दो, 5 इवन नेचुरल नंबर का, तो 5 का 30 हो गया, इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये काम करता है। हमारा ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आयो इनको ना आप कॉपी पे ड्राइन करना, जैसे जैसे मैंने ये समझाया ना कि पहले ये इस तरीके से घूमेगा, फिर ये इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से रिटर्न मारेगा, जब भी इसकी बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तो ये इस तरीके से रिटर्न होगा, ये सारा आपको पहले वीडियो को देखना है, फिर अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना, फिर आपको एकदम अच्छे से ड्राई रन करना, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। और मैं और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स रिकर्सन के ऊपर लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, जो भी हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं रिकर्सन के ऊपर, जो भी हमारे डीएस जब भी हम करते हैं वो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे मैं आपको यहां पे समझा दूंगा एकदम। ये अभी सारी बेसिक्स प्रॉब्लम चली, मैं एकदम एडवांस प्रॉब्लम्स भी लेके आऊंगा, फिबोना की सीरीज किस तरीके से प्रिंट करते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैं इस वीडियो सीरीज में, जो भी हमारी सुपर प्रोग्राम की सीरीज चली है, मैं इस सीरीज में सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें समझा दूंगा, एकदम अच्छे से आपको समझ आएगा। बस आप इस प्रोग्राम सीरीज को अपने सेव कर लीजिए और इस प्रोग्राम सीरीज में एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।